Hello everyone, welcome to EduTab and welcome back to today's session. So this is our 8th lecture for your reasoning RBI grade B 2024 exams. Okay, again very important topic, machine input and output. We have already discussed some questions of this topic in our part 1 where we have discussed same logic pattern question where it means we will use only one logic in all the steps. ठीक है, सारे steps में एक ही logic से काम चल रहा होता है and arrangement वहाँ पे हो रही होती है. But in part 2 we will discuss mixed logic question where there are different logic in each step. We have to decode that logic and then we have to arrange the steps also. ठीक है, तो पहले तो आप logics अपना जो आपके पास example given होगा, ठीक है, structure of the question will be same. Structure same होगा, आपके पास एक example के लिए आपके input given होगा, उसके steps given होंगे and from that you will understand, you will decode the logic there and अरेंजमेंट कैसे हो रही है ये आप पता लगाते हो एंड देन आप परफॉर्म करोगे सेम लॉजिक सेम अरेंजमेंट इन योर गिवन इनपुट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. सो ऑल द क्वेश्चंस विल बी अबव देन मॉडरेट, क्योंकि आपके पास पता है आपको मिक्स लॉजिक के क्वेश्चन होते हैं वो ईजी नहीं होते हैं, डिफिकल्टी होते हैं करने में, आपको लॉजिक पता करना होता है, राइट. तो आई होप आपने कोडिंग डिकोडिंग का ऑलरेडी चैप्टर देखा हुआ है, आपने ऑलरेडी यहाँ पे हमने अल्फा न्यूमेरिक चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है. सो नाउ आई होप कि आपने हर एक लेटर के प्लेस वैल्यूज याद की हुई है, उनके रिवर्स लेटर, ये सब कुछ याद किया हुआ है, क्योंकि ये सारा जो काम है आपके इनपुट आउटपुट में भी काम आता है, राइट. एंड आई एम आल्सो होपिंग दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट देखोगे तब जाके आपको ये वाला पार्ट अच्छे से आएगा. ओके, सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग आरबीआई ग्रेड बी पीवाईक्यू क्वेश्चन ऑफ 2021. ठीक है, नंबर्स एंड वर्ड्स अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट. यहां पे आपके पास एक गिवन हो रखा है, दिस इज एन इनपुट. ठीक है, 5 स्टेप्स का है आपके पास, ये वाला स्टेप भी गिवन इनपुट हो रखा है, यहां से हमको परफॉर्म करेंगे. ठीक है, हमको स्टेप जो है वो यहां से परफॉर्म करना है, यहां से पता लगाना है. अब कैसे पता चला कि ये मिक्स क्वेश्चन है, अगर आप देखो लास्ट स्टेप को देखो और अपने इनपुट को देखो बिल्कुल भी सेम नहीं दिख रहा है कहीं से. ठीक है, यहां पे क्या है, कुछ सिमिलर वर्ड्स नहीं दिख रहे, सिमिलर नंबर्स नहीं दिख रहे होंगे, तो चेंज आया होगा. और अगेन आप अपने इनपुट से स्टेप 1 में देखो, फिर स्टेप 1 से स्टेप 2 में भी देखो, तो आप देखोगे हर उसमें एक एक चेंज आ रहा है, सिर्फ वर्ड्स अरेंज नहीं हो रहे एक जगह से दूसरी जगह, यहां पे उन वर्ड्स के अंदर आपके पास वर्ड या नंबर्स के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं और हर एक स्टेप में चेंजेस आ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज मिक्स्ड. ओके, सो अब पहले इनपुट को देखो, आपके पास ये नंबर है, आपके पास वर्ड्स है, फिर नीचे आप देखो. अब जैसे आप सेकेंड स्टेप में देखोगे तो आप एक चीज ध्यान से देखो, सेकेंड स्टेप को पूरा ध्यान से देखो. यहाँ पे हम अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में ये 2, 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर 3, 2 ऐसा, फिर 5, 3, 2, 1, फिर 7, 3, फिर 8, 2, 4, 6. अगर हम सिर्फ नंबर की बात करें, सो नंबर्स में एक चीज तो क्लियर है दैट ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. और क्या नंबर में बदलाव भी हुआ है, कुछ चेंजेस है, देखो 2, 3, 6, 8, 4, 2, 3, 6, 8, 4. ठीक है, 8, 2, 7, 4, 6, 8, 2, 7, 4, 6, 7, 3, 6, 2, 8, 7, 3, 6, 2, 8. तो ये सारे सेम टू सेम है. नंबर डायरेक्टली आपके अरेंज कैसे हुए हैं, स्टेप 1 में हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हैं. ठीक है, एंड वर्ड्स भी आप देखोगे, CREW, FORM, KEPT, MODE एंड वेरी. इट मीन्स जो वर्ड्स भी हैं आपके वो डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज हुए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हैं, राइट. सिंपली हमको समझ आ रहा है, फर्स्ट एक आपका नंबर पहले अरेंज हुआ है, देन वर्ड. ठीक है, सबसे छोटा नंबर और उसके बाद सबसे छोटा वर्ड, फिर सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा, ऐसे ऐसे करके. ठीक है, सेकंड स्टेप तो, मतलब फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया है. अब सेकंड स्टेप पे देखिए क्या हुआ होगा, 11, 8, 4, 2, फिर DREW. अब यहां से क्या इन वर्ड और नंबर ने पोजिशन चेंज करी है, उससे पहले ये देख लो, डायरेक्ट इनके साथ नीचे देखो, आपके पास ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा. वर्ड्स में तो आपको क्या मिल रहा है, पीछे के ये REW, REW, ORM, ORM, EPT, EPT, बस आगे का स्टार्टिंग लेटर चेंज हुआ है. सेकेंड वाले उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे हर एक लेटर में, ठीक है, स्टार्टिंग लेटर चेंज टू नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट में ही बदल रहा है यहाँ पे, राइट. स्टार्टिंग लेटर
चेंज हो गया अपने नेक्स्ट वाले लेटर में, जैसे सी के बाद डी आता है, एफ के बाद जी आता है, के बाद एल आता है, एम के बाद एन आता है, वी के बाद डब्ल्यू आता है. हर एक स्टार्टिंग लेटर आपके नेक्स्ट में चेंज हो चुका है और बाकी वर्ड के लेटर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं. आगे देखो यहाँ पे नंबर में, देखो अगर हम नंबर में ध्यान दें तो यहाँ पे नंबर्स का ये कहाँ से आया भाई, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया. तो अगर आप 8, 2, 7, 4, 6 अगर आपकी थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी है तो आप यहाँ पे समझोगे दैट 23 अगर ये वाला नंबर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, अगर ये वाला नंबर हम 2 से डिवाइड करें तो 16 समथिंग आएगा हमारे पास, राइट. तो इट मींस हर एक नंबर का हाफ कर दिया गया है, नंबर का क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है, राइट. सो नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 ये किया हुआ है, गॉट इट. थर्ड स्टेप में देखो क्या हुआ है, थर्ड स्टेप में अब इतना बड़ा नंबर एक छोटा नंबर बन चुका है, इतना बड़ा नंबर छोटा नंबर बन चुका है. और ऑल्सो वर्ड्स यहाँ देखो R से S बन गया, बाकी सब कुछ सेम है, D तो D ही है, R से S चेंज हो गया है, O से P चेंज हो गया है, E से F चेंज हो गया है, एंड यहाँ पे O से P चेंज हो गया. इट मीन्स सेकेंड वर्ड का, सेकेंड लेटर का अब चेंज हो रहा है, पहले स्टार्टिंग लेटर था, अब सेकेंड लेटर का आपका नेक्स्ट लेटर आ गया है. और नंबर्स में देखो नंबर छोटे कैसे हुए हैं, क्या ये डायरेक्ट फिर से डिवाइड हुए हैं 2 से? तो एक बार देखो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 9 नहीं देगा, ये आपका 5 देगा. अगेन इसको भी 2 से करो, ये भी आपका 6 नहीं देगा. कहीं पे भी आपका 2 से डिवाइड करके जो भी ये नंबर है, ये वाला तो नंबर हो ही नहीं पाएगा 2 से डिवाइड के, दैट इज 41373 और नंबर है. अब यहाँ पे 2 से डिविजन तो नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्योंकि नंबर बहुत छोटा हो चुका है. अगर आप ध्यान से देखो इसको और डिवाइड करो, क्या 4 से डिवाइड करके आ रहा होगा? अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे 11842 को, अगर करते हैं चलो पहले 3 से कर लो, 3 जा करके आ रहा है तो ये तो हो गया गलत. 4 से करो, 49 जा भी नहीं आएगा, राइट. तो अब आप किससे करोगे इसको डिवाइड, यहां पे ये डिवीजन का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अगर हम ध्यान से देखें यहां पे आपके पास क्या होगा, देखो डिवाइड करके तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम 4 से करेंगे तो 4 2 11 होता है, 2 आएगा वहां पे, ठीक है. 4 2 11 फिर 38 फिर 9 36 आएगा, 36 फिर 2 आएगा, ये तो ज्यादा जा रहा है आपका, राइट. और 2 से पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं हो रहा है 4 से, ठीक है. इसका मतलब ये तो यहाँ पे नहीं लग रहा है. अब यहां से क्या होगा कि कोई नंबर का सिर्फ कोई छोटी कुछ नंबर डिजिट्स ही ली गई है क्या? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 11842 में कहीं पे भी आपको उसके डिजिट्स नहीं दिख रही हैं, राइट. सो यहाँ पे अब एक चीज कभी भी ध्यान रखना, ऐसे कभी आप रहो तो आपके पास विद इन द नंबर भी कुछ फंक्शंस लगते हैं, मतलब जैसे सपोज दिस इज द नंबर 11842. अब 11842 को आप इस तरीके से कर सकते हो कि इनका मल्टीप्लीकेशन या फिर एडिशन यहाँ पे हो रहा हो, इनका मल्टीप्लीकेशन एडिशन हो रहा हो और इनका यहाँ पे क्या हो रहा हो, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है. और इनका यहाँ पे बीच मिडिल टर्म आपने रख दी, ये भी हो सकता है, बट ऐसा यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है. अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि देखो आपके पास यहाँ पे ये वाला जो तो नंबर 952 है, सो इट कैन बी ये नंबर आपने पहले किया हो, इनका समेशन किया हो एंड अगेन इसका समेशन किया हो और फिर ये वाला नंबर लास्ट में लिख दिया हो, ठीक है. अगर देखो ये 9 आ रहा है, ये 5 आ रहा है और ये 2 है, तो कुछ सेम बन रहा है. नाउ चेक द सेम थिंग इन द नेक्स्ट नंबर, अभी कुछ भी पक्का नहीं हुआ है तो नेक्स्ट नंबर में भी चेक करो कि सही है कि नहीं है. तो लेट्स चेक दिस 16087, ठीक है. 7 का 7 लास्ट में ही है क्योंकि, और यहाँ हर जगह देखोगे हर किसी का लास्ट नंबर तो सेम ही प्लेस पे है, तो इट मीन 7 तो सेम पे ही है. अभी हमने इसमें क्या किया था, हमने बीच के दोनों नंबर का समेशन किया था. सो यहाँ पे भी आप यही करो, बीच के दोनों नंबर का समेशन करो, 6 को यहाँ लिखो, इन दोनों नंबर का समेशन करो, इट शुड बी 9. तो चेक तो हो रहा है. आगे देखो इसको, देखो यहाँ पे 36814, तो 36814 में देखो, 36814 में देखो 4 का 4 ही रहेगा और हमने ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऐड करना है आगे लेके, और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऐड करना है. सो 3n+1 इट विल बी 4, ठीक है. 4 और 4 तो आ रहा है. अब देखो यहाँ पे 6 एंड 8 प्लस करके आपका कहीं से भी 5 नहीं आएगा, इट विल बी 14. अब 14 का मतलब है, इट मींस हर एक नंबर को आपने सिंगल सिंगल डिजिट करके लिखा है, मींस 14 का भी सम ऑफ डिजिट्स कर दो. यहाँ पे सम ऑफ डिजिट हो रहा है तो 14 का भी सम ऑफ डिजिट्स करो, इट विल बी 5. अगेन चेक द सेम थिंग इन 41373,
41373, 3 का 3 आप नीचे रखो, इसको देखो आपके पास ये आगे से होना चाहिए, दैट विल बी 4 एंड बोथ ऑफ देम विल बी 11, 7 प्लस 4 विल बी 11, बट 11 की टू डिजिट्स है तो टू डिजिट को सिंगल डिजिट में बनाओ, कैसे बनाओगे, 1 प्लस 1 2, तो 4 2 3 आ रहा है, राइट। सो इट मींस थर्ड आपके इसमें क्या हो रहा है कि हर एक नंबर्स के अंदर ये ऑपरेशन लग रहा है एंड वर्ड्स इन वर्ड्स में आपका क्या हो रहा है, सेकेंड लेटर में सेकेंड लेटर नेक्स्ट में चेंज हो रहा है, गॉट इट। आगे देखो फोर्थ में क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्थ में देखिए, अब हम इसको ध्यान से देखें, ये एक नंबर फिर से छोटा सा बन गया है, तो पहला तो हमारे पास क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने टू से डिवाइड करके देखा, देखो टू से डिवाइड करके इतना आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, राइट। सो यहाँ पे हमारे अगर इसको अगर हम इसको फोर से डिवाइड करने लगे तो फोर से डिवाइड करो, इट विल बी यहाँ पे कहीं से भी 16 नहीं आएगा, 4 से भी ज्यादा आएगा आपका, ये 4 का भी अलग है, ठीक है। अभी 16, 22, 14, 13 एंड 09, इट इज अ वेरी स्मॉल नंबर, 4, 2, 3 से 09 या फिर कोई भी इनमें हो सकता है अभी के लिए। सो लेट्स चेक फॉर सम ऑफ डिजिट्स, एक बार चेक करते सम ऑफ डिजिट। देखो यहाँ पे हमने सम ऑफ डिजिट क्यों नहीं लिया था, क्योंकि वहां पे सम ऑफ डिजिट करने के बाद आपका 100 में नहीं आता, 100 में नहीं आ सकता, राइट। सो इट मीन्स इसलिए चेक नहीं किया था, यहाँ पे चेक करो क्योंकि छोटे हैं नंबर, इनको चेक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद 952, सो इट विल बी 16, 6 प्लस 9 प्लस 7 इट विल बी 22, 9 प्लस 6 15 प्लस 7 22, 4 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है, ये 9 होता है, तो 009 आ गया आपके पास, राइट। इट मींस सम ऑफ हमारे पास यहां पे फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स, सिंपल। अब आगे देखिए आपके पास वर्ड्स में क्या हो रहा है, वर्ड्स में सब कुछ सेम है, डी एंड एस यहाँ पे आ चुका है, डी एस एंड डी एंड एस सेम है, थर्ड लेटर इज चेंजिंग ओनली एंड थर्ड लेटर इज अगेन चेंजिंग इन द नेक्स्ट लेटर फॉलोइंग लेटर, आर से एस बन गया बाकी सब सेम है, पी से क्यू बन गया बाकी सब सेम है, गॉट इट। सो ये हमारा किसमें हुआ है, फोर्थ स्टेप में। नाउ चेक द फिफ्थ स्टेप हियर, यहां से अब आपका 5 रह गया, अब जैसे 2 और 2 से आपने 0 देखा या फिर 0 देखा यहाँ पे, इट मींस दिस विल बी माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 एंड 1 का कुछ हुआ है, यहाँ पे 2 हुआ होगा, 9। अब देखो इसका मतलब 16 का आप कैसे 5 बना सकते हो, सो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो विद इन द नंबर भी लग सकता है, तो इट कैन बी 6-1, 2-2, 4-1, 3-1, तो चेक हो रहा है, सब कुछ चेक हो गया है। और वर्ड में अगेन द लास्ट वर्ड इज चेंजिंग नाउ इन द नेक्स्ट लेटर, कुछ नहीं हो रहा है वर्ड में, सिंपल है, वर्ड में नेक्स्ट लेटर में चेंज हो रहा है बस, राइट। सो इट मींस ऑल द स्टेप्स आर डिकोडेड नाउ। अब हम अपना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं काम करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक नंबर को आगे रखना है जो सबसे छोटा होगा, फिर एक वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड ऑल्टरनेटिवली। तो स्टेप वन में आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो स्टेप वन में आप लिखोगे नंबर को, तो सबसे छोटा नंबर कौन है, 4 है, 3 है, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 3, 5, 4, 2, 2 एंड आफ्टर दैट इट विल बी, ठीक है, आफ्टर दैट वी विल प्लेस अ वर्ड, ठीक है, वर्ड रखेंगे। तो वर्ड के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, जो डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा, ठीक है, डिक्शनरी में एल टी डब्ल्यू एस और पी, तो इनमें से कौन आएगा आपके, एल आएगा, सो लाइन, ठीक है, फिर एक नंबर 4, 8, 5, 2, 4, देन अगेन एक नंबर आएगा, सॉरी वर्ड आएगा पी यू आर ई, फिर एक नंबर आएगा 4 के बाद 6 वाला आ जाएगा 6, 3, 9, 2, 6, फिर आपके पास 7, 3, 8, 4, 2 और यहाँ पे एक वर्ड आएगा, तो पी के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, एस ए एन डी सेंड, एंड देन यहाँ पे आपका आएगा टी यू आर एन टर्न एंड देन एक नंबर 7 के बाद 8, 7, 3, 4, 2 और लास्ट में एक वर्ड विच विल बी वेक, ठीक है, वेक आपका लास्ट में आ गया, राइट। दिस इज आर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में देखो क्या हुआ है, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, यहाँ पे हर एक नंबर को डिवाइड बाई 2 किया था एंड स्टार्टिंग लेटर चेंज हो गया था नेक्स्ट में, तो बस और कुछ नहीं करो, आप भी यही करो, इसको 2 से डिवाइड करो, इट विल बी 17, 1, 7, 1, 1, 2 से डिवाइड करके ये आएगा, और L के बाद क्या था, M, तो आपका M E M I N E, गॉट इट। तो ऐसे ऐसे करके आप सारे स्टेप सीखने, इसको करेंगे
8, 7, 3, 4, 2 का क्या होगा यहां पे? तो यहां पे आपका मेन क्या है, आपकी कैलकुलेशन भी ठीक होनी चाहिए, इसलिए आप इसको फास्ट कर सकते हो। अगर आप डिवाइड करने अलग से लग गए वहां पे तब थोड़ा टाइम हमारा लग सकता है, बट स्टिल आपको यहाँ पे डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है, डब्ल्यू ए के के, डब्ल्यू के बाद क्या आता है हमारा एक्स, सो एक्स ए के ई। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप्स। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किया था, देखो थर्ड स्टेप में हमने ये किया था कि हमने हर एक नंबर में इस तरीके से नंबर में क्या किया था, ऑपरेशन किए थे ऐसे, ठीक है, पैटर्न के साथ एडिशन किया था, और हमने अब सेकेंड लेटर स्टार्ट किया था चेंज करना। तो देखो हर एक वर्ड का सेकेंड लेटर पहले चेंज कर दो, तो इसमें एम, आई के बाद जे आता है, एन और ई, क्योंकि वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट में कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे, राइट। क्यू आ यू आर ई, तो क्यू ऐसे रहेगा, यू के बाद क्या आता है, वी आर ई, ठीक है। देन टी ए एन डी, टेंड का क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, क्यू यू वी आर ई, ठीक है। एंड देन टी ए एन डी, तो टी ए का बी एन और डी, और नेक्स्ट विल बी यू वी आर एंड एन, एंड लास्ट में आपका आ जाएगा X B K E, ठीक है। अब वर्ड नंबर्स की बारी है यहाँ पे, ठीक है। अब नंबर्स को देखो, इसको हमने क्या करना था, लास्ट वाला नंबर ऐसे ही रहेगा, और जो आपके दो बीच के नंबर हैं, ये वाले, ये दो बीच के नंबर हैं, ये आपका इनका एडिशन सबसे आगे आना चाहिए। सो देखो इनका एडिशन तो आपके पास 14 हो रहा है, इनका एडिशन क्या हो रहा है, 14। सो 14 आपके जो डबल डिजिट होगा उनका भी आपको समेशन करना होगा डिजिट्स का, तो इट विल बी 5। सो आपका सबसे आगे आना चाहिए 5, एंड देन हियर इट विल बी 2, गॉट इट। आगे देखो, लास्ट में 2 का 2 रहना चाहिए, एंड यहाँ पे ये दोनों कितना हो रहा है, 6, और बीच में 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8, राइट। आगे देखो, ये दोनों आपके आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इट विल बी 9 + 1 = 10, तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 3 का 3 रहेगा, और 3 + 6 को आप करोगे ऐड, तो इट विल बी 9, गॉट इट। और टी बी एंड डी तो हमारा था ही, इस वाले को करो, 1 का 1 यहाँ पे हमारा ऐसे ही रहेगा, राइट। और उसके बाद ये दोनों नंबर आगे आएंगे, 9 + 6 विल बी 15, 5 + 1 विल बी 6, और ये दोनों पीछे की साइड 3 + 2 = 1, ठीक है, 3 + 2 = 5। आगे देखो, यू ये वाला हो गया, इसके बाद एक नंबर है यहां पे, ठीक है, इसको लिख लेते हैं एक बार, 1 का 1 रहेगा, 3 + 6 आगे आके 9 बनेंगे, 7 + 4 इट विल बी 11, बट 1 + 1 = 2, ठीक है। हर एक नंबर जो डबल डिजिट आ रहा है उसको भी समीशन करना है, ओके। अब देखिए आगे क्या होगा हमारे पास, फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था, फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया था, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट किया था, हर एक नंबर के हमने छोटा बना दिया था सबको, और फोर्थ स्टेप में हमने हर किसी का सम किया था, और वर्ड्स में क्या चेंज आ रहा था, थर्ड लेटर में चेंज आ रहा था, ओनली थर्ड लेटर वर चेंजिंग, गॉट इट। तो देखो हर उसमें आपने क्या किया था, इसका हमने यहाँ पे सम ऑफ डिजिट किया था, 5 + 2 + 1 इट विल बी 8, ठीक है, 0 8। एम जे तक चेंज हो चुका है, ये भी ध्यान रखना चेंज कहां तक हुआ है, जे तक चेंज हुआ था, एन के बाद क्या आएगा आपके बाद, एन के बाद ओ एंड देन ई, ठीक है। नेक्स्ट इट विल बी 6 + 2 = 8 + 8 इट इज 16, और Q, V और अब की बार R के बाद S, 1 9 3 इट विल बी 13, और T, B, O, D, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 6 5 1 तो इट विल बी 12, और U, V, S, N, 9 12 इट विल बी X, B, L और E, ओके। नेक्स्ट चेक करो फिफ्थ स्टेप में हमारे पास क्या है, फिफ्थ स्टेप में हमने चेक किया लास्ट में डिजिट्स में माइनस हुआ है और लास्ट आपका चेंज हुआ है, तो यहां पे देखो इट विल बी 8 एम जे ओ एफ, ठीक है, 5 क्यू वी एस एफ, 2 टी बी ओ ई, 1
ठीक है, 0, 1 और 1, फिर U, V, S और N के बाद O, 1, और फिर X, B, L एंड F. सो दिस इज आवर लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट नाउ. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ N21 फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 3? ठीक है, स्टेप 3 में हमारे पास राइट एंड से क्या पोजीशन है 921 की. तो 921 की देखो, स्टेप 3 में 1 और 2 सेकेंड पोजिशन है फ्रॉम द राइट एंड. सो सेकेंड पोजिशन है हमारी, क्या है पोजिशन? सेकेंड है. सो ऑप्शन नंबर ए. Let's move on to the next question here. Which of the following element is fourth from right end in step fourth? Step fourth में देखो, fourth from right. So from step four में 1, 2, 3 और 4 कौन है आपका यहाँ पे? 12. Answer will be 12. ठीक है. What is the output of 4, 8, 5, 2 and 4? What is the output of it means input में जो ये आपको number given था, इसका output क्या निकाला last में? Output मतलब in the last step. So it means 4, 8, 5. देखो पहले कहा था 4, 8, 5 आपका यहाँ पे था, पर आपने first उसमें आपको पास यहाँ पे sorry ये था 4, 8, 5, बाद में जाके ये arrange करा आपने यहाँ पे, और उसके बाद कोई इसमें पोजीशन में चेंज नहीं आया, सिर्फ अंदर अंदर चेंज आया था. तो पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया था. आपने यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे. सो आंसर विल बी 5. आंसर शुड बी 5. गॉट इट. नेक्स्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पे से. व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन स्टेप 5? सो व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन स्टेप 5? तो जितने भी नंबर है उनके सम कितना होगा? 8 + 5 + 2 कितना हो गया ये आपका? 15. 15 + 2 कितना हो जाएगा ये? 17. सो इट शुड बी सी. हाउ मेनी एलिमेंट आर बिटवीन 5 to 1 एंड UVRN इन स्टेप 3? तो 3 में ही देखो, एलिमेंट के लिए बोला है, तो एलिमेंट मतलब वर्ड भी होगा और नंबर भी होगा. सो 5 to 1 एंड UVRN, 5 to 1 एंड UVRN ये रहा. तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 एलिमेंट है हमारे पास. कितने हैं? 6. बहुत इजीली, ठीक है. तो मेन काम है आपका वहां पर, ठीक है, इनपुट में स्टेप्स बनाना. और स्टेप्स जब आप राइट डाउन करते हो अपने पेपर पे, तो भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे भी कुछ मिस ना हो. लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन दिस इज अ इनपुट मिक्स ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स, अगेन मिक्स लॉजिक, ठीक है, सेम फॉर्म में. देखो यहाँ पे भी सेम चीज चेक करनी है. पहले क्या करोगे आप? लास्ट में देखो, चेक किया, पता चल गया मिक्स में है सारा देख के, है ना. फिर आपने किया, फर्स्ट चेक करो, फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट में क्या चेंज आया है. यहाँ पे से नंबर्स आप देखोगे एज इट इज है, मेरे पास नंबर्स के अंदर कोई चेंज नहीं आया. ओनली द पोजीशन इज चेंजिंग राइट नाउ, है ना. पोजीशन चेंज होने के बाद आपके पास वर्ड्स में क्या हो रहा है? वर्ड्स की ड्रास्टिकली गॉट लोकेशन, ये और ये जैसे हमने देखा है. तो अगेन इट इज अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर. तो वर्ड हमारे डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, और हमारे जो नंबर है, नंबर को पढ़ लो एक बार. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 3, 2, 4, 0, 7, 8, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर. तो हमें सारे जो नंबर्स का टर्म है, देखो डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आर आल्सो 6 इन ऑल ऑफ द नंबर्स. सारे नंबर्स पे 6 डिजिट है, इट मींस सबसे छोटा वही है वैसे भी, ठीक है. सो नाउ कैसे पता चला? उसमें 1 है, तो जो भी है स्मॉलर नंबर कम्स फर्स्ट. तो ये अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है नंबर्स में. Got it. Next में देखिए 6, 2, 2, 8, 9 drastically का फिर यही बना होगा कुछ ना कुछ, और तो नया ही, कोई और वर्ड ऐसे चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये ज्यादातर सिमिलर इसी से है, ठीक है. GOT का ये हुआ, फिर इसमें ये हुआ, फिर इसमें आपका मास्टर में ये हुआ. यहां तक हमें पता चल गया कि ऑल द वोवल्स आर एलिमिनेटेड नाउ, ठीक है. वोवल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ड, सो इट मीन्स वोवल्स को हटा देंगे हम, ठीक है. बस और नंबर्स में देखो 12, 6, 4, 6. अब ये नंबर देखो 5 उसका बन गया है. नंबर बड़ा था, नंबर थोड़ा सा छोटा हुआ है, बहुत छोटा नहीं हुआ है. देखो नंबर बड़ा था, थोड़ा सा छोटा हुआ है, राइट. एंड ऑल्सो थोड़ा सा छोटा हुआ है, तो आप इसको ये भी देख सकते हो, इवन भी है. 2 से डिवाइड करो 6 पे जाता है, राइट. सो बिल्कुल ये आपका क्या होगा, 2 से डिवाइड करके ही आ रहा है, क्योंकि 6 डिजिट नंबर था, 5 डिजिट बन गया है, राइट. सो इट कैन बी डिविजिबल बाय 2. 2 से नहीं होता तो 3 से हो रहा होगा, क्या पता, है ना. तो आगे इस वाले नंबर को देखो, अगेन 16 मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है. 53 का फिर अगेन 17, तो यहाँ पे किससे हो रहा है? ये वाला देखो, ये वाला आपका 2 से नहीं हो रहा है, राइट. ये वाला आपका 2 से नहीं हो रहा है. अब इस वाले को चेक करो, ये भी आपका 2 से नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप 2 से करते हो तो कभी भी 23 नहीं आता. 2 से करते हो तो यहाँ पे 3 आता ना, और अगेन इट इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो 2 से कैसे होगा भाई, ठीक है.
अब ऑड नंबर है भाई तो इसका मीनिंग है, अगर 69 का 23 आ रहा है, 53 का 17 आ रहा है, आगे और चेक करो, यहाँ पे इस वाले का कितना आ रहा है, 3 3 9, तो यहाँ पे ये 3 से ही शुरू हो रहा है. इट मीन्स इफ द नंबर इज एन ऑड नंबर, ठीक है, इस वाले में अगर कोई नंबर ऑड है तो डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर इवन है तो डिविजिबल बाय 2, राइट, इवन है तो डिविजिबल बाय 2, ऑड है तो डिविजिबल बाय 3, बस इतना करना है, राइट. सेकेंड स्टेप में हमारा ये है. अब देखो लास्ट थर्ड स्टेप में चेक करो, थर्ड स्टेप में आप इन्होंने क्या किया है कि हर यहाँ पे एट द रेट घुसा दिया, एट द रेट, बट अब एट द रेट नहीं है हर जगह, कहीं पे हैश भी है, तो इसके पास क्या चीज है, क्योंकि आपके पास वर्ड्स का और नंबर्स की अब क्या है पोजिशन चेंज नहीं हो रही है, ओनली द चेंजेस इन विद इन द वर्ड और विद इन द नंबर. अब यहाँ पे देखो एट द रेट आया है, एट द रेट मतलब यहाँ पे इन्होंने इसके बीच में डाला है, किसके बीच में, टी और सी के बीच में डाला है, इट मीन्स जस्ट एग्जैक्ट मिड में डाला है, जी और टी के बिल्कुल जस्ट एग्जैक्ट मिड में डाला है, यहाँ पे लोकेशन के भी एग्जैक्ट मिड में डाला है, दो लेटर उधर दो लेटर इधर, मिड में हो गया, मास्टर के मिड में हो गया, यहाँ देखो इसके मिड में नहीं है बट ये, पर आपको सिंबल भी डिफरेंट दिख रहा है, राइट, अगेन यहाँ पे भी सिंबल दिख रहा है और दिख रहा है अलग, और यहाँ पे मिड में भी नहीं है. अब यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बाकी सबसे देखो, बाकी सब में जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं आर इवन, नंबर ऑफ लेटर आर इवन, बट इन दिस नंबर ऑफ लेटर आर ऑड, नंबर ऑफ लेटर आर ऑड, गॉट इट. तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स में तो ये है, ओके. अब आगे देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है वर्ड्स, नंबर्स में, नंबर अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिख रहे हैं हमें बड़े, तो इट मीन्स बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए होंगे यहाँ पे, कुछ ना कुछ और हो रखा होगा. अब यहाँ पे और देखो 2 6 2 2 8 9 1 2 1 6 2 9 का यहाँ पे कुछ और है, फिर यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है. नंबर में जितनी डिजिट थी आप देखोगे उतनी ही डिजिट अभी भी है, इट मीन्स यहाँ पे कुछ भी डिविजन डिविजिबल कहीं से भी नहीं हो रखा है, ठीक है, तो डिविजन नहीं हुआ है तो कुछ और हो रहा है. जैसे मैंने यहाँ पे 0 1 2 3 देखा, कुछ चीज क्लियर हो रही है, इट मीन्स नंबर जो है, डिजिट जो है, डिजिट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विद इन द नंबर. हियर डिजिट्स आर अरेंज्ड, डिजिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. यहाँ पे देखो 0 1 1 3 9 9 3 3 6 6 3 7 9, यहाँ पे इसको पूरा करके यहाँ पे अरेंज कर दिया है डायरेक्टली इंक्रीजिंग में नंबर्स को, गॉट इट. तो ये हमारा नंबर्स में हुआ है, थर्ड स्टेप तक क्लियर है. फोर्थ स्टेप देखिए, यहाँ पे अब नंबर में बहुत चेंज आ गया, नंबर बहुत छोटा हो गया, कहाँ यहाँ 5 डिजिट थे, यहाँ 2 3 डिजिट रह गई है, यहाँ पे 6 डिजिट थी, यहाँ पे कितनी रह गई है, सिर्फ 3 रह गई है, अगेन यहाँ पे भी इतनी थी, यहाँ पे भी 3 रह गई है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखें 2 2 6 8 9, अगेन सम ऑफ डिजिट्स तो हो नहीं सकता बिकॉज द नंबर इज वेरी बिग हियर, सो व्हाट शुड बी, नथिंग. अब देखो विद इन द नंबर हमने जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखा था, तो हो सकता है वो भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है. अच्छा यहाँ पे हमारे पास आप देखोगे मिड वाले जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 2 6 8 9, ठीक है 2 2 6 8 9, और दूसरा नंबर यहाँ पे से आप ले लीजिए इट विल बी 3 3 6 6 7 9, यही है 3 3 6 6 7 9. सो अगर हमारा इससे ये बनता है मान लीजिए, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या कैसे बना होगा, 640 कैसे आ रहा होगा भाई यहाँ पे. और एक और नंबर अगर हम लें 0 1 2 0 1 2 3 6 9 6 7, तो इससे हमारा अगर बन रहा है तो इट इज 751. अब ये कैसे आया है, तो यहां पे से अगर हम देखें ध्यान से 766, ठीक है, इसका और इसका समेशन हुआ होगा, ठीक है, प्लस करके 7 आया है, ठीक है, इसका और इसका समेशन हुआ होगा प्लस करके 7 आना चाहिए था, नहीं आया है, इसका और इसका प्लस करके 5 आना चाहिए था, नहीं आया. अब यहाँ पे 5 नहीं आ रहा, बट एक और चीज हो सकती है, जरूरी है ऐड करना क्या, नहीं हमको जरूरी नहीं है ऐड करना, माइनस भी हो सकता है ना, 7 - 0 भी तो 7 ही होता है, 6 - 1 5 होता है, 3 - 2 कितना होता है, 1 होता है. अगेन इन दिस ऑल्सो यहाँ पे देखो 9 - 2 आपका 7 होना चाहिए, 8 - 2 आपका 6 होना चाहिए, और 6 का 6 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई पेयर नहीं है. और ये भी देखो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आर ऑड, नंबर ऑफ डिजिट इवन है, गॉट इट. यहाँ पे देखो अब आ रहा है क्या 766 यहाँ पे कहीं, और 751
यस बिल्कुल ठीक है. सेकंड नंबर पे 751, 766 फर्स्ट नंबर पे. सो अब इसको देखो, इसमें भी सेम होना चाहिए. सो 9 माइनस 3 इट शुड बी 6, इससे ये माइनस करो 4 आना चाहिए, दैट इट विल बी अगेन 0. 640 आ रहा है क्या कहीं पे? यस 640 आ रहा है. नाउ इट इज क्लियर कि नंबर्स आपके ऐसे हो रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेशन लग रहा है. वर्ड्स में देखो क्या हो रहा है. वर्ड्स में आप देखोगे आपके पास आगे का सिंबल के पहले का जब, ठीक है, ऑल द लेटर बिफोर द सिंबल आर नॉट चेंजिंग, ठीक है, वो सेम के सेम है, और ऑल द लेटर आफ्टर द सिंबल आर चेंज नाउ. सी का डी हो गया, एल का एम, एल का एम, वाई का सेट. आगे और चेक करो इसको, जी और एट द रेट सेम है, टी के बाद यू, एल और सी सेम है, टी एंड एन के यहाँ पे चेंज होके यू और ओ बन गया. तो हमें समझ आ गया आफ्टर द सिंबल लेटर्स आर चेंज टू नेक्स्ट लेटर, कुछ नहीं हुआ है, सारे लेटर चेंज हुए हैं बस. और लास्ट में क्या किया है आपके पास, इनका बहुत छोटा बन गया, तो अगेन आप क्या करते हो, द थिंग शुड बी सम ऑफ डिजिट. क्या सम ऑफ डिजिट हो रहा है? 7 + 6 + 6 इट विल बी 19. यस 7 + 6 अगेन 13, ये भी ठीक है. तो अब यहाँ पे से हमारा ये चीज तो क्लियर हो चुकी है, सम ऑफ डिजिट हो रहा है लास्ट में. और इतने बड़े वर्ड का इतना छोटा आया है, इतने बड़े वर्ड का इतना छोटा आया है यहाँ पे सिर्फ यू पार्ट. और यहां से भी देखो आपके पास एस ओ के एफ एक्स का अब हैश हट चुका है, ठीक है, ओ आर एस का ओ हैश हट चुका है. यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सिंबल के जितने भी आगे लेटर थे, ऑल द लेटर बिफोर सिंबल विल बी एलिमिनेटेड. और यहाँ पे क्योंकि कोई सिंबल के आगे कोई भी लेटर नहीं था, तो इट मीन सारे के सारे मेरे पास यहाँ पे आ गए. गॉट इट? चलो अब नेक्स्ट में परफॉर्म करते हैं. ओके अब देखो इलेक्शन, अब हमारे पास वर्ड है, नंबर है. तो हमने पहले क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, सबसे पहले एक नंबर लेके आए थे, उसके बाद वर्ड, ठीक है. सो नंबर एंड वर्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. सबसे पहले नंबर देखो, सबसे छोटा कौन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला. तो नंबर विल बी स्मॉलेस्ट नंबर 2, 7, 9, 4, 6 and 5, ठीक है, फर्स्ट स्टेप. गॉट इट? नाउ फर्स्ट एस्टोनिश, ठीक है, ए से कोई और तो नहीं है यहाँ पे, नहीं है. तो ए एस टी ओ एन आई एस एंड एच. आगे देखो फिर उसके बाद नंबर आपका 3 वाला नंबर होगा, ठीक है, इट शुड बी 3, 7, 9, 3, 4, 4, ठीक है, एस्टोनिश 3, 7, 9. अब ए के बाद वाला कौन सा होगा यहाँ पे, ये वाला एम से शुरू हो रहा है, एस से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू से, आर से और ई से. सो इट शुड बी इलेक्शन, इलेक्शन आएगा आफ्टर दिस एंड फिर नंबर 4, 5, 6, 2, 0, 1, ठीक है. एंड एम ई टी, ठीक है, एम ई टी के बाद आपके पास एक नंबर आना चाहिए 4, 5 के बाद. यहाँ पे दूसरा नंबर कौन सा है, 6, 0, 9, 4, 8, 3. देन अगेन इन वर्ड, अगेन अ वर्ड विच इज स्टॉकहोम. ओके अब एक और नंबर 60, इसके बाद कौन सा नंबर बड़ा है, 8, 9, 8, 9, 7, 5, 4 and 2. एंड आफ्टर दैट आपका यहाँ पे 9, 2, 4, 6, 2, 0 लास्ट में. और एक वर्ड यहाँ पे रहता है आपका विच विल बी वेबिनार. ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है. चलो How many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है, number words कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. अच्छा room रह गया है यहाँ पे. Room वाला miss हो गया. तो room हम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है. So room will come at this place. ठीक है. फिर यहाँ पे Stockholm आएगा. और यहां पे आपका लास्ट में वेबिनार आएगा आफ्टर दिस. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट. ठीक है, इसको ऊपर की साइड लिख देते हैं. आफ्टर दिस इन द सेकेंड स्टेप क्या करना है हमने देखो. सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, वर्ड सारे एलिमिनेट कर दो वोवल्स में से, सॉरी वर्ड्स में से वोवल्स सारे एलिमिनेट कर दो. ठीक है,
और आपके पास नंबर शुड बी डिविजिबल बाय टू, ठीक है। अगर ऑड नंबर होता है तो डिविजिबल बाय थ्री, राइट। ऑड नंबर है तो डिविजिबल बाय थ्री। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। यहाँ पे ये ऑड है, थ्री से डिवाइड करोगे तो नाइन सा, थ्री थ्री सा, फिर वन सा, ठीक है, फाइव सा एंड अगेन फाइव सा। यहाँ पे एस्टोनिश में से सारे हमको वॉवल्स गायब करने हैं, तो वॉवल्स अगर हटाएंगे हमारे पास यहाँ से एस टी एन एस और एच आएगा। थ्री सेवन ये फोर, ये हमारा इवन नंबर है तो टू से डिवाइड करेंगे, इट विल बी एटीन, नाइन, सिक्स, सेवन और टू, ठीक है। तो डिवीजन अच्छे से करना है। इलेक्शन में से एल सी टी एन सारे वॉवल्स हटाने हैं। 15 आपका यहां पे टू जा, फिर जीरो, फिर सिक्स जा 20 और सेवन जा, ओके। अब आगे क्या होगा यहां पे देखो, एम ई टी में एम और टी रह जाएंगे, सिक्स जीरो ये वाला हो जाएगा टू जीरो, थ्री जा वन और सिक्स और वन जा आर एम, ठीक है। 8 9 7 5 4 2 का आ जाएगा यहाँ पे 4 4 8 7 जा 14 1 7 जा और 1 1 जा 2, ठीक है। एस टी सी के एच एल और एम, टू फोर जा 8 का 1, 6 जा 2 जा, ठीक है, 3 जा और 1 और 0। एंड वेबिनार में W, B, N और R। नाउ दिस इज आर स्टेप सेकेंड। अब स्टेप थर्ड में ध्यान देते हैं, स्टेप थर्ड में ध्यान दो। स्टेप थर्ड में क्या करना था हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास, हर एक नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर लग गया था विद इन द नंबर, एंड आपके पास यहाँ पे आपने क्या करना है, एक आपने सिंबल एड करना है, एट द रेट एंड हैश। सो एट द रेट वहां पे जो आपके बिल्कुल इवन नंबर ऑफ लेटर्स होंगे, ओके। अब देखो यहां पे हमने क्या करना है, इसके बीच में हमारे पास 1 3 5 5 एंड 9, ठीक है। यहां पे आपने क्या करना है, एस टी एन और एस एच, एस टी एन और एस एच आपके पास यहां पे क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स इज ऑड, नंबर ऑफ लेटर इज ऑड, तो यहां पे हमारे पास आगे से हैश से स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में हैश एंड देन एस टी एन और एच, ओके, गॉट इट। नाउ इस वाले में आपका 1 2 6 7 8 9 एल सी टी एन, एल सी एट द रेट टी एंड एन, 1 5 हैश एस टी एन और एच, इसमें कहां पे लगेगा आपके पास 1 2 6 7 8 और 9, ठीक है, एल सी एट द रेट टी और एन। यहां पे हमारे पास 0 1 2 5 6 7 एम और टी के बीच में एट द रेट, ठीक है। आगे आपका क्या है यहाँ पे 2 0 3, तो हमारे पास क्या है 0 1 1 2 3 और 6 आर और एम के बीच में आर एट द रेट एम, ओके। चलिए आगे देखो 4 4 यहां पे क्या होगा हमारा 1 4 4 7 7 8 एस टी सी के एच और एम, अगेन ऑड नंबर ऑफ लेटर्स, तो हैश आपका सबसे आगे से एस टी सी के एच एल एम, ओके। 4 6 2 3 0 तो 0 1 2 3 4 6 कितने हैं 1 2 3 4 6, ठीक है। W B एंड एट द रेट N और R, गॉट इट। दिस इज आर स्टेप नंबर 3, ठीक है, दिस इज आर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के बाद अब स्टेप नंबर 4 देखते हैं। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया है यहाँ पे, बड़े नंबर से बहुत छोटा बन गया था, बड़े नंबर से छोटा बना था, तो हमने क्या कहा था, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर इवन, तो ऐसे करके सो ऑन चलता रहेगा, फर्स्ट लास्ट सेकंड 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 लास्ट। अब ऑड होंगे तो आपके पास ऐसे चलता रहेगा, बट मिडिल वाला सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, गॉट इट। ऐसे करेंगे 1 9 3 5, तो हमने करना है क्या है, इनमें सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। सब्ट्रैक्ट करो,
सो नाइन में से एट गया आपका एट, सॉरी नाइन में से वन एट, ठीक है. और फाइव में से थ्री टू, एंड देन फाइव का फाइव नीचे. ओके, नेक्स्ट वन हैश एस टी एन एस एच. तो हैश में आपने यहां पे क्या करना था, इस वाले में क्या किया है, सी एल एल वाई. तो हमने हर एक लेटर का नेक्स्ट लेटर लिखा है, वो भी सिंबल के बाद में. सिंबल के बाद में आपने सबके लिए चेंज कर दिया है. सिंबल के बाद में चेंज करा है तो यहां पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है. जैसे टी पी एल जी और वाई था, तो टी पी एल जी वाई जिसके आगे से आपका हैश है, जिसके आगे से आपका हैश है, उसमें फॉलोइंग लेटर या नेक्स्ट लेटर में चेंज नहीं हो रहा है, उसमें प्रीसीडिंग लेटर में चेंज हो रहा है. अगर आप ध्यान से देखो, टी के पहले एस आता है, पी के पहले ओ होता है, वाई के पहले एक्स आता है. सेम ऐसे पी एस टी में भी पहले का है, बट यहां पर अगर हम ध्यान दें, सी के बाद डी आता है, वाई के बाद जेड आता है, यहां पर नेक्स्ट है, ठीक है. तो एट द रेट में नेक्स्ट लेटर, और हैश वाले में प्रीवियस वाला, प्रीसीडिंग वाला, ठीक है. तो हैश एस के पहले हमारा यहाँ पे आर, तो इट विल बी आर एस एम, फिर आर और जी, राइट. नेक्स्ट देखो, वन टू सिक्स सेवन एट, सो इट विल बी नाइन में से वन एट सिक्स एंड वन एल सी. यहां पे आपको नेक्स्ट करना है एट द रेट वाले में. टी के बाद आपका क्या आता है, U एंड N का O. जीरो सेवन, सिक्स में से वन गया फाइव, टू फाइव में से टू गया थ्री, M एट द रेट T U सिक्स टू वन, R एट द रेट, तो R एट द रेट M के बाद N, राइट. नेक्स्ट विल बी वन फोर फोर, तो यहां पे क्या करना है, एट में से आपका वन चला गया, सेवन थ्री थ्री, ठीक है. आगे देखो, हैश एस टी के, हैश वाले में आपको करना है प्रीवियस वन, तो प्रीवियस वन वाले में आर एस बी, के पहले क्या आता है यहां पे, जे जी, ठीक है, फिर के एंड देन एल. आगे देखो यहां पे जीरो वन, तो इट विल बी सिक्स, इट विल बी थ्री, इट विल बी वन. W B एट द रेट N के बाद O, R के बाद S. सो दिस इज आर स्टेप नंबर फोर्थ, कंप्लीट स्टेप फोर्थ हो गया. फिफ्थ स्टेप देखो यहाँ पे, अभी स्टेप नंबर फिफ्थ में हमने क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स है, और आपके पास जो वो वर्ड्स थे वो भी छोटे हुए हैं. वर्ड्स में आपके आफ्टर द सिंबल हम सिर्फ यूज करेंगे, ठीक है, आफ्टर द सिंबल यूज करेंगे, बट उनको रिवर्स में. देखो जे एम एम डी का आपने रिवर्स कर दिया, जे सॉरी डी एम एम जेड का आपने जेड एम एम डी कर दिया. जैसे यहाँ पे देखो, यू का तो यू ही रहेगा, ओ यू था यहाँ पे, यू ओ था तो यहाँ पे ओ यू हो गया, एम एस यू एस था तो एस यू हो गया, तो रिवर्स में कर दिया है. तो यहाँ पे देखो अब सम ऑफ द डिजिट्स, फाइव प्लस टू ये हो गया फिफ्टीन, तो हैश को भी हटाना है यहाँ पे से, एंड आफ्टर हैश वी आर यूजिंग ऑल द लेटर्स. तो ऑल द लेटर भी आपके कैसे हैं, ऑपोजिट में है. अब यहां वाले में देखो क्या ऑपोजिट में ही है, हैश वाले भी एस ओ के एफ एक्स ओ आर एस नहीं, हैश वाले ऑपोजिट नहीं है, तो हैश वालों को सिंपल रखना है, हैश वालों को सिंपल रखना है. ओके, तो हैश वालों को सिंपल रखो भाई, आर एस एम आर जी. एट सिक्स वन, इट विल बी अगेन फिफ्टीन, एल सी एट द रेट यू और ओ, यू ओ का ओ यू हो जाएगा, ठीक है, एट द रेट वालों को चेंज करना है. सेवन फाइव थ्री का हो जाएगा फिफ्टीन, अगेन फिफ्टीन हो रहा है ये, एम एट द रेट यू, यू का यू रहेगा, ठीक है. सिक्स टू वन, सिक्स टू वन का आ जाएगा यहाँ पे नाइन, आर एट द रेट एन का एन ही रहेगा. सेवन थ्री थ्री का आपका हो जाएगा थर्टीन, ठीक है, और इस वाले का क्या हो जाएगा, हैश का हटा के सारा सेम टू सेम लिखना है, तो आर एस बी J G K L. सिक्स थ्री वन का हो जाएगा टेन, इट विल बी टेन, और यहां पे W B एट द रेट O S का S और O, ठीक है, दिस इज S O. ओके, सो दिस इज आर स्टेप नंबर फिफ्थ, ठीक है, दिस इज आर लास्ट स्टेप. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नाउ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर द, इज कोड फॉर 379344 इन द लास्ट स्टेप. देखो आपके पास इनपुट में गिवन होगा, तो इससे आउटपुट में आपके पास क्या निकला है, मतलब लास्ट स्टेप में देखो क्या निकला होगा.
तो 7379344 कहाँ पे है ये, यहाँ पे है। सो इसको हटा के हमने यहाँ लाया था थर्ड नंबर पे। अब देखो थर्ड नंबर के बाद मतलब फर्स्ट स्टेप के बाद कहीं पे भी पोजीशन चेंज नहीं हुई थी। थर्ड पे होना चाहिए, थर्ड पे होना चाहिए ये वाला, यहाँ से भी थर्ड पे होना चाहिए और यहाँ से भी थर्ड पे होना चाहिए। तो क्या आ रहा है आपके पास, 15 आ रहा है। क्या आ रहा है देखो, 15 आ रहा है। सो आंसर शुड बी 15। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ 8th फ्रॉम लेफ्ट एंड इन। तो ये आपके पास क्या दो दो डायरेक्शन वाला है, डिफरेंट डायरेक्शन नहीं है, सेम डायरेक्शन है। तो 8-3 इट मीन्स आपको फिफ्थ ढूंढना पड़ेगा कहां से, लेफ्ट के डायरेक्शन से। तो स्टेप फोर्थ में, सॉरी स्टेप फोर्थ में देखो फिफ्थ एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5 और 3 क्या है हमारे पास, 7, 5 और 3। सो आंसर शुड बी 7, 5 और 3, नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर है। ठीक है। How Stockholm will be represented in second last step? Second last step में Stockholm. तो second last step में देखो Stockholm हमारे पास यहाँ पे number 1, 2, 3 पीछे से third number पे था, तो यहाँ पे भी देखो 1, 2, 3 अभी भी यही है। ठीक है। फिर उसके बाद 1, 2, 3 Stockholm यहाँ से ये रहा। Second last step ये वाला होगा, तो 1, 2, 3 ये वाला हमारा Stockholm वाला होगा। तो it is R S B J G K L. तो R S B hash के साथ है, जे जी के एल। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर 609483 इन फिफ्थ स्टेप। तो देखो फिफ्थ स्टेप में इसके लिए कौन सा कोड है। तो पहली पोजीशन 609 की यहाँ पे थी, बट हमने यहाँ से चेंज करके उसको कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे। ठीक है, मेट के बाद, तो एम ई टी के बाद यहाँ पे भी यही नंबर है। और उसके बाद देखो ये वाला नंबर भी वही है, एम ई वाले के बाद ये वाला 621। कौन सा वाले स्टेप में बोला, फिफ्थ स्टेप में। 621 के लिए जो चेंज होगा आपका एम, यहाँ पे एम एट द रेट यू 621 की, तो ये वाला जो चेंज होके कहाँ पे आया था, ये रहा 9। सो आंसर शुड बी 9। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा 9। तो ये ध्यान से रखना है हमको, स्टेप नंबर 5 में 9 विल बी द करेक्ट आंसर। तो नन ऑफ दिस। ठीक है, 609 हाँ यही है ना इसका प्लेस, 609 का ये हो गया था 3, 1, 3 MAT के बाद, नहीं MAT के बाद है, यहाँ पे भी MAT के बाद है, तो MAT का U का U यहाँ पे आ जाएगा और बाकी 9। हाँ, तो 9 विल बी द करेक्ट आंसर है, रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अच्छा 9 है हमारे पास, सॉरी 9 तो है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग सम, विच ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स प्रेजेंट इन द लास्ट स्टेप। तो सम क्या होगा हमारे पास सारे नंबर्स का लास्ट स्टेप में, देखो 15 + 15 + 15 इट विल बी 45 + 10 इट विल बी 55 + 3 = 58 + 10 = 68। सो आंसर शुड बी 68 करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, सारे नंबर्स का सम कितना होगा, 68। सो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए, अब कुछ अगर मान लीजिए इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया, तो अगेन यहाँ पे मेनली आपका बहुत काम आता है कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर। सारे लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, प्लेस वैल्यू सबके पता होने चाहिए, कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। अगेन इन दिस आउटपुट आपको इस टाइप में गिवन है, एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स टाइप गिवन है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में आपके पास यहाँ का फिल हो रखा है, यहाँ का फिल हो रखा है, और उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 देख रहे गिवन इनपुट भी दे रखा है, एंड आप भी सेम 3 स्टेप्स परफॉर्म करोगे सेम ऐसे ही। तो यहाँ पे से पता करना है पहले कि क्या था, लॉजिक्स पता करो। देखो हर एक जो ये टर्म है, ये टर्म अपनी पोजीशंस भी चेंज कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो अभी के लिए देखो, अभी के लिए आप ये रखो कि अभी इनकी पोजीशन चेंज नहीं है, सबसे शुरू में आप यही करोगे, चेक करोगे, नहीं चेक होता, नहीं लॉजिक बैठ रहा है, तब आप दूसरे उसमें जाते हो। तो पहला एक लॉजिक, फिर दूसरा लॉजिक, ऐसे ऐसे करके आप चेक करते हो वन बाय वन। तो देखो B6G तो अभी इसी के नियरेस्ट लग रहा है ये हमें। तो यहाँ पे अगर हम इन तीनों को पकड़ के देखें ऊपर की रो को, तो B6G C8 और H, सिर्फ अभी लेटर्स पे ध्यान दो। B के बाद C आता है, G के बाद H आता है, M के बाद N आता है, K के बाद L आता है, Q के बाद R आता है, N के बाद O आता है, नीचे वाले में देखो F के बाद G आता है, M के बाद N आता है। इट मीन्स लेटर, हर एक लेटर अपने नेक्स्ट लेटर में चेंज हो रहा है, ये तो क्लियर है आपको, ये हमारा क्या है, क्लियर है, राइट। और उसके बाद आपके यहाँ पे क्या है नंबर्स में, क्या है देखो, 6 का 8 हो गया +2, 9 का 11 हो गया +2, अगेन 3 का +2, 5 का भी +2, 4 का भी +2, तो हर एक नंबर +2 हो रहा है। तो यहीं पे से बनाना भी शुरू करते हैं, अगर हम बनाना शुरू करें, देखो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप देखो, अगर आप ऐसे बनाओ इसको फटाफट से,
ओके 20 ये है हमारे पास, यहाँ पे हमारा ये है इनपुट, ठीक है। तो एफ के बाद जी, 3 + 2 = 5, और वाई के बाद क्या आता है, वाई के बाद जेड आता है, ई एफ आ जाएगा, ठीक है, 1 + 2 = 3, और के बाद एल, टी जी सॉरी टी 6 और एस, टी के बाद यू, 6 + 2 = 8, एस के बाद टी, डी 7 p, तो ई 9 q, एच टू आई के बाद क्या आता है आपका आई 4, और आई के बाद जे ओ 7, और क्यू के बाद आर, बी 10, और आर का क्या हो जाएगा यहां पे, आर का एस, जी 9 5, एच 10, सॉरी 10 नहीं होगा, 11 होगा ये, और इट विल बी वी के बाद डब्ल्यू, ठीक है। सो दिस इज आवर स्टेप 1, बन गया स्टेप 1। अब देखो स्टेप 2 करो, स्टेप 2 में क्या हो रहा है, फिर यहां से लेके देखो, इसमें देखो, अभी अगर हम ध्यान दें, K के बाद यहां पे L है, ओके, D का U हो गया, मे बी फिर अलग हो गया, N का फिर Y हो गया, पर अगर हम ध्यान से देखो किसी भी टर्म को, ठीक है, C का देखो B है यहां पे आसपास का, और H का G भी आसपास का यहां पे है, N का आसपास का M है, L का आसपास का O है, इट मींस C के बाद जो C के पहले आता है B यहाँ पे, H के पहले G आता है, N के पहले M आता है, L के पहले O आता है, राइट नहीं, L के पहले O नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे ये तो हुआ नहीं, आपका L के बाद M आता है और N के बाद O आता है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट है भाई, इसमें और इसमें तो सेम नहीं बैठ रहा, पर इसमें चेक करो, अगर हम इसमें चेक करें, R और F, O और P, ये और ये मैच कर रहे हैं भाई, ठीक है। इस वाले में देखो G एच एन ओ, ये भी इनसे मैच कर रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है इन सबसे, फिर तो डी 6 और बी का चेक करो एक बार, तो डी के बाद यू हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा आसपास, डायरेक्ट डी के इधर के साइड वाला मिल रहा है हमें, पहले वाला, वो प्रीसीडिंग, यहाँ पे भी प्रीसीडिंग था, यहाँ डी वाले में भी प्रीसीडिंग है, बी के वाले में भी प्रीसीडिंग है, बट एक चीज कॉमन क्या है, इसमें जो नंबर है दैट इज ऑड, इसमें नंबर है ऑड, इसमें नंबर है ऑड, इसीलिए इनका फॉलोइंग लेटर हो रहा था, बट बोथ इन दीज टू एंट्रीज हमारे पास क्या है, नंबर एक इवन है, तो इवन वाले में अलग फंक्शन है, ऑड वाले में अलग फंक्शन है। अब नंबर्स में चेंज देखो, 8 का 6 हो गया, बट 7 का कम नहीं हुआ है, 7 का ज्यादा हुआ है, 7 + 4 = 11, आप ये देखो कि चेंज कितने का आया है, आपको कैसे पता चला कि 7 से 11 हुआ, आप 11 में से 7 का चेंज देखो ना कितना हुआ है, 4 हुआ है, तो आप 5 में से चेंज देखो, आपका 5 का 9 बन गया, तो अगेन प्लस 4, 7 का प्लस 4 11 बन गया, इट मींस ऑड नंबर प्लस 4 एंड इवन नंबर माइनस 2, गॉट इट, आगे बनाते हैं, चलो इसमें यही से देख के आपको नीचे बनाना है आप, तो सबसे पहले तो इवन ऑड के अलग अलग से काम करो, पहले सिर्फ हम यहां पे करेंगे जिसमें ऑड है, तो ई 9 q, जो जो ऑड नंबर वाले टर्म्स हैं, ऑड नंबर में एन का ओ हो रहा है, एल का एम हो रहा है, अगेन नेक्स्ट लेटर, तो यहाँ पे ऑड में ई का एफ होगा, ठीक है, एन 9 का प्लस 4 13, और क्यू का आगे आएगा आपका आर, गॉट इट। आगे देखो जी का बाद एच आएगा, 5 + 4 = 9, और जेड के बाद आपका क्या आता है, जी के बाद तो एच आ गया हमारा, ठीक है, जी और एच, और जेड के बाद क्या आता है, तो हमारी जो सीरीज चलेगी वो कंटिन्यूअस चलेगी, तो जेड के बाद देखो क्या होता है, जेड ए बी सी डी ऐसे करके, तो जेड के बाद ए, गॉट इट। चलिए एफ 3 l, ये भी सेम होगा, एफ के बाद जी आता है, 3 + 4 इट विल बी 8, एल के बाद एम आता है, ये भी ठीक है भाई, ये भी चेंज कर लिया हमने, सीर O 7 R, O का P, 7 + 4 = 11, R का S, H के बाद आपका I, +4 = 15, और W के बाद हमारा क्या आ जाता है, X, बस ठीक है, ऑड वाले खत्म हो गए। अब इवन वाले में क्या करना है हमारे पास, I J H, I
4 एंड जे. तो जे आपका जे का प्रीवियस लेटर, जे का प्रीवियस लेटर आगे की साइड आना चाहिए, राइट. जे का प्रीवियस आगे आना चाहिए, तो जे का प्रीवियस क्या होता है यहाँ पे, आई. और 4 का माइनस 2 करना पड़ेगा, इट विल बी 2. आई का प्रीवियस क्या होता है हमारा, अगेन एच. एच आपका यहाँ पे आएगा. आगे देखिए इस वाले में 8 माइनस 2 6. यू का यहाँ पे करो प्रीवियस 1, इट विल बी टी. और टी का प्रीवियस एस. 10 का माइनस 2 करके 8. एस का प्रीवियस इट विल बी आर. और बी का प्रीवियस इट विल बी ए. नाउ दिस इज आर स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3 को देखेंगे अब. ठीक है, स्टेप नंबर 3 पे देखो. स्टेप नंबर 3 में इन्होंने क्या किया है, अगर हम ध्यान दें 13 14, अब हर जगह दो नंबर्स हैं, बट यहां पे आपके पास सिंगल नंबर था. और G6B 7F और 2, कुछ चीज दिख रहा है. हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू लिख दी गई है. G की प्लेस वैल्यू 7 होती है, B की प्लेस वैल्यू 2 होती है. 6 की प्लेस वैल्यू वाला लेटर लिखा है, दैट विल बी F. 15 का प्लेस वैल्यू वाला लेटर है, दैट इज O. और O के बाद O का आपको यहाँ पे क्या है, इसमें डिफरेंट है. बट फिर से डिफरेंट है, क्यों है, देखो इसमें भी डिफरेंट है. अब जो भी नंबर ऑड वाला है, जो जिसके बीच में यहाँ पे ऑड है, उसमें क्या है, आगे पीछे हो रखा है. मतलब H का मेरे पास H के प्लेस वैल्यू पीछे लिखी है, O की प्लेस वैल्यू आगे लिखी है, बस इतना हुआ है. ऑड नंबर वाले में आपके पास क्या है, G के प्लेस वैल्यू वहीं पे है, B की प्लेस वैल्यू वहीं पे है. इतना क्लियर है. देखो जो भी ऑड वाले नंबर वाले टर्म्स हैं, उसमें आपका क्या हुआ है, O की प्लेस वैल्यू पहले लिख दी गई है, क्रॉस कर दिया है. बट इवन में सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है. इतना क्लियर है. अब देखो इवन वालों को देखो यहाँ पे. अब सेकंड वाले के इवन में देखो, सेकंड के इवन में क्या है, एक आपके पास यहां से इवन है, तो हमारे पास बीच में 2 वाली प्लेस वैल्यू आएगी. मतलब यहाँ पे वो लेटर आएगा जिसकी प्लेस वैल्यू 2 होती है. आई की प्लेस वैल्यू नहीं, यहीं पे 9 होगी और एच की 8 होगी. यहाँ पे ये आपका क्या है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, यहाँ पे एच आ जाएगा और इट विल बी 1. ऊपर देखो ये भी इवन है, इसमें भी सेम होगा, 19 है और यहाँ पे 20. तो सारे इवन वाले. अच्छा एक और बचा है यहाँ पे, जी 8 और एम. ठीक है, हाँ जी 8 और एम में क्या होगा, यहाँ पे आपका 8 वाले में एच हो जाएगा और एम की 13 प्लेस वैल्यू और जी की 7 प्लेस वैल्यू. और कोई इवन है यहाँ पे, नहीं है. अब देखो ऑड वालों में क्या करना है, रिवर्स करना है. ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू यहां लिखनी है, इसकी प्लेस वैल्यू यहां लिखनी है क्रॉस करके. और बीच वाले का आपको क्या करना है, बीच वाले में सिंपल है, उसकी तो प्लेस वैल्यू ही लिखनी है ना. ठीक है, तो ऐसा करो, एच 9 की प्लेस वैल्यू वाला लेटर विल बी आई, ए की प्लेस वैल्यू आगे जाके लिखेंगे आप 1 और एच की प्लेस वैल्यू उसके पीछे से. आगे देखो 13 वाला होता है हमारा एम, 13 प्लेस वैल्यू एम की होती है, तो इसीलिए आपको लर्न करने पड़ेंगे सबके. P11S देखो क्या है, P11S इट विल बी 16 और 19 और K 9 24 और 15 का होता है O. सो अब हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है. तो ये हमारा सारा हमने काम कर लिया है. अब आपको पता हो कि हमने यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि सब में कोई ना कोई आपको लॉजिक्स पता होते रहेंगे, धीरे धीरे आपको लॉजिक्स याद हो जाएंगे कि भाई यही हो रहा है, राइट. और आप उसको अप्लाई कर सकते हो, वन बाय वन आप चेक करते हो. ऐसा करके कुछ भी पहली बारी में सही नहीं होता है, आपको बार बार पुट करके चेक करना होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट अपीयर्स इन सेकंड कॉलम ऑफ फर्स्ट रो इन स्टेप 3. ठीक है, स्टेप 3 के सेकंड कॉलम ऑफ फर्स्ट रो. देखो फर्स्ट रो मतलब देखो, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है. सो इन स्टेप 3 वो क्या बोल रहे हैं, स्टेप 3 सेकेंड कॉलम ऑफ फर्स्ट रो. सेकेंड कॉलम ऑफ फर्स्ट रो मतलब ये है. ठीक है, दिस इज आर फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसकी बात हो रही है. तो 7H और 13, सो 7H और 13 शुड बी द आंसर. क्या आ रहा है हमारा, नहीं, आंसर शुड बी नन ऑफ दीज. ओके, 7H और 13 नहीं आ रहा है. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन थर्ड कॉलम ऑफ थर्ड रो इन स्टेप 2. थर्ड कॉलम ऑफ थर्ड रो मतलब ये वाला. ठीक है,
थर्ड कॉलम ऑफ थर्ड रो, मतलब I15 और X. सो आंसर शुड बी I15X आ रहा है आपके पास. आंसर आ रहा है I15X. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन थर्ड रो ऑफ सेकेंड कॉलम इन स्टेप थ्री. अगेन सो स्टेप थ्री के पहले तो सेकेंड कॉलम थर्ड रो, तो पहले थर्ड रो देखो कौन है, ये है आपकी स्टेप थ्री की थर्ड रो. इसका सेकेंड कॉलम है ये वाला, यही चाहिए हमें, सेकेंड कॉलम चाहिए है. 9K16 will be your answer. क्या आंसर आएगा? 19K16. So this is our complete question here. Okay? चलो. So this was our last question of this session. I hope you like today's session. आपको क्या करना है, एक बार दोबारा से practice कीजिए. Starting से session में आप question को देखो, video को pause करिए और उसके बाद question को solve करो. Okay? और आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग भी लगा होगा. नाउ यू नो कि हमें इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, हमें किस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस की हमको प्रैक्टिस बढ़ानी चाहिए, जिसका जो है वो एग्जाम में आने का आपका जो चांसेस है वो ज़्यादा होंगे. ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.